एवरीवन, वेलकम टू मील्स इन मिनट्स। तो अब आपको ये सब आइटम देख के तो मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। तो हाँ, आज हम आपको लेके आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक कर्नाटका के डिशेस, जो आप हाई टी पे सब किसी को इनवाइट अगर कर रहे हैं तो आप ये आइटम बना सकते हैं। आप ब्रंच में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। अगर आपको एवरी डे दाल रोटी सब्जी खाकर बोर हो चुका हो तो आप ये बना सकते हैं। तो चलिए अब हमने क्या क्या बनाया ये देखते हैं। तो इसे कहते हैं चाव चाव भात, ये दोनों कॉम्बिनेशन को। ये है कैबेज का उपमा यानी उपिट, और ये है शीरा जो यूजुअली पाइनएप्पल से बनता है, बट क्योंकि हमारे यहाँ पाइनएप्पल नहीं अवेलेबल है अभी, तो मैंने इसे बनाना के साथ बनाया है। और ये है सांभर जो स्पेशली इडली और मेदू वड़ा के साथ अच्छा लगता है। ये है नारियल की चटनी, और ये है हमारे इडली और वड़ा। तो आप हमारे वीडियोस में देखेंगे कि हमने अलग अलग वीडियो पोस्ट किए हैं, एक जिसमें हमने उपीट कैसे बनाते हैं रेसिपी डाली है, एक हमने शीरा की डाली है, अलग सांभर की डाली है, चटनी की डाली है, इडली और मेदू वड़ा। इडली का बैटर हमारा होममेड है और सांभर पाउडर भी हमारा होममेड है। सांभर पाउडर और बहुत सारे अलग मसालास की हम अगले कुछ वीडियोज़ में आपको रेसिपी दिखाएंगे। तो ज़रूर एंड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारा ये सब मेन्यू कैसा लगा, और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक एक डिशेस बनाने की। थैंक यू सो मच, और आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि अगली बार हम जो भी वीडियोस डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आएगी और आप उसे व्यू कर सकेंगे और आप देख सकेंगे हमने क्या बनाया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मील्स इन मिनट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इडली के साथ खाने का चटनी किस तरीके से बनता है वो दिखा रही हूँ। मैंने गीला नारियल लिया है, स्क्रैप कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, जो भी इसको बोलते हैं वो आप बोलिए, और धनिया पत्ती लिया है, हरी मिर्च मैंने काट के लिया है ऐसे, और ये जो चूड़े का दाल बोलते, फुटाने भी बोलते हैं इसको, दलिया भी बोलते हैं, ये लिया है, और पिंच ऑफ हींग, और आधा टीस्पून, टेबलस्पून नहीं टीस्पून, आधा टीस्पून जीरा। ये अभी थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग इसको पीसेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। गैस पे तड़के का कढ़ाई रख दिया है, उसमें राई और उड़द दाल डाल दें। ये देखिए हमारी नारियल की चटनी रेडी हो चुकी है, जो इडली के साथ और मेदू वड़ा के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप और कौन सी चटनी अपने घर में बनाते हैं, या आप कौन सी चटनी चाहते हैं हम बनाएँ। हम बहुत टाइप की चटनी बनाते हैं जो आप हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।